नमस्कार दोस्तों, आइए मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। दोस्तों, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम कई तरह के पौधे लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो एक पौधा ऐसा भी है जो न सिर्फ आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी जो है वो सुधार लाता है। और ऐसे में कुछ लोग इसे अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी लगा देते हैं। वास्तु में मनी प्लांट के पौधे को घर पर लगाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करके इस पौधे की मदद से अपना रूठा हुआ भाग्य चमका सकते हैं और घर से नेगेटिविटी को भी दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के पौधे को घर के अग्नेय दिशा साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और आर्थिक स्थिति भी आपकी जो है वो स्ट्रांग होती है। मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट जोन में रखना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार साउथ ईस्ट जोन भगवान श्री गणेश की दिशा होती है। मनी प्लांट का पौधा पैसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। घर के इस कोने में इसे रखने से व्यक्ति का भाग्य खुल सकता है। अब है कि हमें किस दिशा में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें जो है मनी प्लांट को कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा का प्रतिनिधि होते देव गुरु बृहस्पति करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको जो है मनी प्लांट नहीं लगाना है। घर के ईस्ट या वेस्ट दिशा में भी कभी भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। इस कोने में लगाने से आपको जो है मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है और रिश्तों में मतभेद भी पैदा कर सकता है, इसलिए भूल करके भी ईस्ट या वेस्ट दिशा में भी पौधे को न लगाएं। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि मनी प्लांट की बेल अगर ज़मीन छूने लगे तो ये भी अशुभ संकेत है। ज़मीन पर छूती हुई पत्तियाँ सुख समृद्धि में रुकावट ला सकती हैं दोस्तों, इसलिए मनी प्लांट की बेल को ऊपर चढ़ा करके ही रखा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर नीचे लटक रही है तुरंत उसे सहारा दें, ऊपर खींच लें। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट साउथ ईस्ट दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए इससे हमें घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए डंडे की मदद से ऊपर की तरफ बांधें, नीचे नहीं लटकने दें। ध्यान रखें गुरुदा दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके मान सम्मान में भी रुकावट आएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मनी प्लांट की बेल जो है वो ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट की पत्तियां सूखने लगें, अगर सूखी हुई हैं तो तुरंत उन्हें काट के हटा दें। ऐसा करने से, और कभी भी दोस्तों याद रखें, रविवार को इस पौधे में जल नहीं देना चाहिए। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट में जल देते समय पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति जो है आपकी स्ट्रांग होगी और उसमें सुधार भी होगा। दूसरा है दोस्तों कि वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा घर के अंदर ही रखना चाहिए। ये इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रहेगा ये तभी आपको जो है आपको फ़ायदा देगा दोस्तों। और वास्तु के अनुसार कुछ लोगों की बुरी नज़र से भी ये पौधा सूखने लगता है, इसीलिए इसे घर के अंदर और लोगों की नज़र से बचा करके ही रखना बेहतर होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ भी सुझाव है और किस पे मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।